और कांटा डाल दो ज़्यादा लहर हो गया रखें और बस नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को खुशी राज फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आज हम और ये खुशी के मम्मी दोनों मिल के हम लोग का घर में कितना सारा काम रहता है हर दिन, तो आज दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए आज मेरे ब्लॉग में ना। तो हाँ देखिए दोस्तों, अभी जा रही है थाली धोने और हम उधर गाय है तो गाय को हम निकाल लेते हैं। तो जाओ थाली धोने, हम चलते हैं गाय निकालने। जा रहे हैं। ठीक, देखिए इधर खा खा के रखा हुआ है ये थाली, अभी मैचने के लिए जा रही है। इसको अभी धो देगी तो थोड़ा दे देते हैं। देखिए कैसा करके रखी है पहले से। लो, थाली धोने के लिए जा रही है खेत। यहीं पे बर्तन सारा धोते हैं, लेकिन यहाँ अभी दो ही थाली थी तो अभी धो रही है। सारा कुछ पहले ही धो के गई है। अब ये धो के अभी आएगी और हम चलते हैं गाय खुटने। तो गाय खुटने से पहले हम ये घास को ले चलते हैं, घास उधर दे देंगे ताकि गाय दौड़ेगी नहीं। तो ले चलते हैं। देखिए आज रात में बारिश हुई थी इसलिए जिधर खुटते हैं उधर थोड़ा कादो हो गया है। घास और इधर भी दे दिए घास, सब ले चलते हैं गाय को। देखिए उधर रात से ही खुटा हुआ है। तो हम लोग का बछड़ा है, बछड़ा देखिए कितना क्यूट है। देखिए कितना अच्छा, और ये हम लोग का गाय। तो पहले बछड़े को ही ले चलते हैं। हाँ दोस्तों, तो देखिए हम बछड़े को ले जा रहे हैं। देखिए ये जगह भी इसको खुटते हैं। चलो चल इधर 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 इधर, तुम्हारे लिए इधर है, आ जा। हाँ इस तरफ खाओ यहाँ पे। हाँ दोस्तों, तो बछड़ा को खुट दिए, अब गाय को ले लाते हैं। दोस्तों तो गाय को लेने आए हैं। अभी यहाँ गाय को बहुत तकलीफ़ है। देखिए इसका पैर में क्या बीमारी पा गया है कि पैर में मोच आ गया है, कुछ पता नहीं चलता है। और गाय हम लोग को बहुत लड़ा रही है। तो अगर आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को किसी को अगर पता होगा तो थोड़ा बताइए आखिर ये बीमारी क्या है। अभी खोलेंगे तो ये चलने नहीं पाएगी, तो खोलते हैं। चलो देखिए दोस्तों, हम लोग का गाय इतना अच्छा थी लेकिन क्या करें। देखिए इसका मजबूरी अब यही है, सही से चल नहीं पा रही है। अब गाय और बछड़ा दोनों को हम खुट दिए, अब चलते हैं उधर खुशी मम्मी तरफ। अभी भी बर्तन साफ धो, बर्तन साफ करके आ गई, थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं था। ये हम लोग का घर है मिट्टी का, उधर गाय और बछड़ा दोनों खुटते हैं और वो घर में बकरी भी रखते हैं उसी में। वो हम लोग का माचा, इधर लौकी और थोड़ा सा करेला है, और ये हम लोग का भगवान तुलसी पीढ़ा है। देखिए वो मिक्सी का जार धो के लाई है, तो बोल रही है कि थोड़ा मिक्सी को रख दीजिए अच्छा से। मिक्सी को पेटी में पैक कर दिए, अब इसको रख देंगे उस छज्जा में हम रख दिए। अब देखिए ये झाड़ू लगाने आई है, थोड़ा घर में झाड़ू मार देगी। देखिए पूरा गंदा हुआ है ये उधर। देखिए मक्का का खाड़ी उठा के ले जा रही है। इसी घर में मक्का छोड़ा के रखे थे तो मक्का खाड़ी उधर फेंक के आएगी। मक्का खाड़ी फेंक के आ रही है, गेट लगा रही है, क्योंकि कोई हम लोग अभी दोनों ही है तो सोचे कि क्यों खुला रहेगा। खाड़ी का फेंक के आ गई। और गाय सबको और घास दे दो, उन लोग का घास ख़त्म हो गया। थोड़ा सा यहाँ भी घास मचल है, दे दो सब। अब घास भी काटने के लिए जाना पड़ेगा दोस्तों, काटना पड़ेगा। गाय सबको घास देने जा रही है, देखिए दे रही है कैसा। दोनों को दो, उधर एक को। हाँ दोस्तों, तो फाइनली घास भी देखे आ रही है। अब चलेंगे हम लोग घास काटने। और देखिए इधर कपड़ा भी है, कपड़ा भी खींचना है। क्या करेगी, पहले घास काटने जाएगी, पहले कपड़ा खींच लेंगे। हाँ तो खींचो दोस्तों। तो देखिए अब इसमें भी झाड़ू लगा रही है, चारों तरफ भी मक्का का गर्दा हुआ हुआ है। तो इधर झाड़ू लगा के अब वहाँ हम लोग का ग्वाल घर है, वहाँ गई है झाड़ू लगाने। अभी साकार हो गया है, यहीं पे हम लोग
बकरी खुटते हैं और गाय गाय इस खुटा में खुटते हैं जो ये लोहा का है, और इसमें बछड़ा और बाकी सब में बकरी सब। तो यहाँ भी बहुत गंदा है तो साफ कर दे रही है। देखिए यहाँ रात भर खुटे थे और रात को भी घास दिए थे, तो ये घास सब साफ कर दे रही है ताकि साफ सफाई में बकरी सब्जी रहेगी। रात में बारिश भी हो रहा था इसलिए यहाँ सबको घुसा दिए थे, नहीं तो गाय सब जहाँ खुटे हैं अभी वहीं पे रहता है। पूरा अब यहाँ जमा की है, देखिए उस तरफ गमला है, अब गमला लाके जमा करेगी। तो उठाओ गमला में, बड़ा हो गया, उठा भी ली। अब इसको जाती है फेंकने के लिए। फेंक के आ गई, अब जाएगी कपड़ा खींचने ना। हाँ तो अब जाने के लिए खोज रही कपड़ा खींचने। देखिए खुशी का इधर कपड़ा सब इधर पड़ा हुआ है और वो बाल्टी में भी कपड़ा है, तो अब खींच के आती है। तो कपड़ा खींचने चल दी, यही सामने ही हौदा में खींचेगी। ये हम लोग का हौदा है, यहीं पे अभी कपड़ा खींचेगी। हाँ दोस्तों देखिए खुशी मम्मी कैसे साफ कर रही है। खुशी की मम्मी कपड़ा साफ करके आ गई है, अभी खुशी उठी हुई थी तो इसको भी दूध पिला के अब फिर सुला देगी। तो हम अभी थोड़ा लाइन काटा था, अभी आ गया तो एक मशीन खेत में लगाए हैं, उसको थोड़ा देख के आते हैं। हाँ दोस्तों तो जा रहे हैं, उधर ही दूर में खेत है तो उधर मशीन लगाए हैं, तो देख के आते हैं पानी चल रहा है कि नहीं। हाँ दोस्तों तो देखिए पहुँच गए हैं, मशीन चल रहा है लेकिन पानी नहीं फेंक रहा है, तो इसीलिए हड़बड़ा के जल्दी आ रहे हैं। तो इसमें थोड़ा पानी भरते हैं फटाफट। तो हम पानी भर के देखिए अब चालू कर दिए हैं, यही खेत है इसमें पानी कम हो गया है तो भर रहे हैं, अब चालू कर दिए, अब छोड़ देते हैं, अब चलते हैं घर। देखिए ये भी खेत है, इसमें भी धान कैसा है थोड़ा बताइए, और उधर भी दिख रहा है जो भी वो सब भी खेत हम लोग का ही है। तो अब चलते हैं घर, घर आ गए हैं। और देखिए खुशी मम्मी उधर कपड़ा टांग रही है। तो कहाँ आप चलना है? घास काटने। तो दोस्तों अब घास काटने जाएंगे, तो घास को निकालो दो फट से। वो लेके आ गई, चलो काटने बढ़ जाएगी। तो घास इधर ही है, झींगा बारी हम लोग का है, इसी में बहुत घास है तो इसी में हम लोग काटते हैं दोनों। गुड़ी दरवाजा लगा देने। हाँ अभी सो गई। तो हम लोग का खुशी अभी सोई हुई है, तो घास काटते हैं फटाफट, उठेगी तो फिर निकल करेगी। दोस्तों कितना घास है और ऊपर जाली लगा है इसलिए हम लोग को झुक के चलना पड़ रहा है। देखिए खुशी मम्मी अब काटना शुरू कर दी है। राय भंसूरा हाँ दोस्तों तो हम भी काटते हैं। कितना सा घास हो गया है और उधर है, और देखिए अभी भी इधर काटते हैं। तो अब चलते हैं हम, थोड़ा घास को पहुंचा रखते हैं। कितना सा घास अभी लेके आए और अभी भी काटते हैं, तो फिर चलते हैं वहाँ पे। तो हम लोग का बकरी आ गई, पापा गए थे बकरी चराने, अब देखिए सब मार पी रही है, अब ये सब थोड़ा खुड़ देते हैं। तो सब बकरी सब अपना अपना सेंटर में चली, अब चलते हैं खोद देते हैं। ए सब अपना अपना सेंटर में लग जाओ, अपना अपना जगह। बकरी पूरा हम खोद दिए, देखिए सभी खोद दिए हैं इधर। अब फिर चलते हैं वहाँ पे जहाँ घास काट रही है खुशी मम्मी। तो हम आ गए फिर यहाँ पे, धूप है। हाँ दोस्तों तो बहुत धूप है, हम लोग का भी अब हो गया काटा हुआ। दोस्तों तो हम रख दिए, और देखिए खुशी की मम्मी लाई, देखिए हम लोग का घास कितना सारा काट दिए वही दोनों गाय और बछड़ा के लिए। काटा हो गया ना, बहुत गर्मी है, देखिए कितना पसीना पसीना हो गई है, धूप बहुत है इसलिए। देखिए घास काट के आई, अब जा रही है नहाने। नहा जा
तो चुपके चुपके नहाने जा रही है, चलो जल्दी नहा के आ जाओ। तो देखिए सब कपड़ा उपड़ा ले लिए, देखिए जा रही है। हाँ दोस्तों, तो खुशी की मम्मी नहा के आ गई, देखिए वो अपना साड़ी और कपड़ा घाट रही है। दोस्तों तो नहा के आके देखिए अब खुशी को तेल मखा दे रही है। खुशी खुशी गुड़ी इधर देखो इधर हाय। तो खुशी तेल माख के अब सो गई है, तो देखिए अभी सो गई हुई है, सो गई। दोस्तों तो उधर खुशी सोई हुई है, अब हम लोग चलते हैं खाना खाने। तो चलो खाना खाने चलिए। नीला हो गया क्या? चलो पापा खाना खा रहे हैं, अब हम भी खाना खाते हैं। देखिए चावल हम लोग का, बॉडी का सब्जी, बॉडी और आलू का। तो चलो खाते हैं, और खाना लेके वो घर जा रही है। और ये मेरा, तो देखिए मेरा भी ख़त्म हो गया और खुशी की मम्मी भी उधर खा के निकल गई। तो सब्ज़ी आज बहुत टेस्ट बना था, इसलिए खाएं बहुत जल्दी। देखिए हमसे भी जल्दी ये खा के आ गई, सब्जी बहुत टेस्ट था। तो देखिए मेरा भी बहुत टेस्ट लगा, देखिए मेरा भी अब ख़त्म ही होने वाला है, हो ही है। क्या बताए, सब्जी इतना टेस्ट था ना, कुछ खाने लायक नहीं। हो गया पापा खाना खा के निकल गए, थोड़ा पानी दो। तो देखिए दोस्तों काफ़ी सारा बर्तन जमा हो गया, तो जाने के लिए खोज रही है बर्तन साफ़ करने के लिए, ये लेके जा रही है अब साफ़ करने। हाँ दोस्तों तो देखिए इधर बर्तन साफ़ कर रही है, अच्छा साफ़ हो रहा है ना? हाँ ठीक है साफ़ करो। यही हम लोग का तालाब है, उधर हम लोग का छोटा तालाब है, लेकिन यह अभी ज़्यादा पानी है इसलिए साफ़ कर रही है। ठीक है अब फिर से बकरी खोलने जा रहे हैं, फिर पापा ले जाएंगे चराने, तो खोलते हैं फटाफट। देखिए हम लोग का बकरू, देखिए सभी बकरी खोल दिए। तो देखिए पापा बकरी ले जा रहे हैं, अब घुसते हैं घर और गेट लगा देते हैं। दरवाज़ा लगा दिए हैं, और देखिए वो भी अब बर्तन साफ करके आ गई। हाँ दोस्तों तो मुकेश मेहमानी गया था, तो अब ये आ गया, और देखिए साथ में मोनिका भी आई है। मोनिका बैग टाइम पैसा लन लाई है, देखिए मोनिका भी आई है साथ में। कै रुपया हन बैग टाइम? अरे कपड़ा ले रहा बोला है, और तिरंगा झंडा। तो दोस्तों देखिए मोनिका देश की देश प्रेमी है, इसलिए तिरंगा झंडा लेके आ गई है। दादी भी आ गई, दादी खुशी की मम्मी को झोला दे दी, और मम्मी भी आ गई उधर से। तो देखिए झोला दे दी है, अब लेके अंदर जा रही है। आवलाई आवलाई आवलिए बाबा, देखिए दादी और मम्मी आ गई मेहमान घर से। इधर मोनिका, मोनिका लाने के रही है, सपना तो फेंक दे रही है, अब पानी भरने जा रही है। ये मोनिका आई हुई है, अब यहाँ आके नख पालिश लगा रही है। क्या लगा भैया गुड़ी, जोर से बोला। पालिश देखी के क्या लगा भैया? नख पालिश। तो मोनिका नख पालिश लगा रही है। तो देखिए एक पैर में लगा ली, अब दूसरी पैर में लगा रही है। तीन बाल्टी लाई थी, एक ले गई और एक लेने जा रही है, तो एक हम भी ले जा देते हैं। देखिए मोनिका आते ही हौदा साफ करने लगी चोप लगा के। हाँ दोस्तों तो पानी अंदर कर लिए, और मोनिका को कुछ मिठाई नहीं खिलाई थी, इसलिए मम्मी बोलती है कि पकौड़ी छाँक दो। तो हम आलू ले आए हैं धो के, तो इसको काट के पकौड़ी छानेंगे, तो बने रहिए ब्लॉग में। दोस्तों तो शुरू करते हैं, तो हम काट लिए हैं, देखिए दे देते हैं खुशी की मम्मी को, वही पका देगी। खुशी की मम्मी उधर
दूध पिला रही खुशी को, तब मोनिका आ गई है यहाँ पकौड़ी बनाने। देखिए आलू को कैसे सान रही है, नाता खिचड़ी दिया तो। देखिए कैसे बना रही है। हम आलू काट दिए हैं, अब दे दे रहे हैं, तो खुशी को दादी के पास दे दो, रख देंगे। देखिए खुशी अभी सो गई है, एक रखे सुता दे। ये पकौड़ी बनाने के लिए बेसन डाल रही है आलू में, जो आलू कटिंग करके रखे थे। उधर कढ़ाई चढ़ गया इंडक्शन में, उधर हल्दी और नमक, तो चालू कर दें। चालू कीजिए दोस्तों, हम इंडक्शन चालू करने जा रहे हैं, अभी लाइन है। ये वाला हम लोग का होकर बहुत सुविधा हो गया है, नहीं तो हम लोग का गैस इतना जल्दी जल्दी ख़त्म होता था ना, कुछ खाने लायक नहीं। तो ये वाला कितना सा दे दें? एक चम्मच दीजिए। पकड़ो, हाँ दोस्तों, तो देखिए नमक डाल रही है। चल हो जाते, पकौड़े में थोड़ा कम ही नमक रहने से अच्छा रहता है। ठीक है छोड़, क्या है कि उसको ऊपर से थोड़ा डाल देगी तो चलेगा। अब हल्दी डाल रही दोस्तों, क्या है कि इसमें तो क्या बोलते हैं, एक रंग आता है वो डाला जाता है, लेकिन हम लोग पास तो है नहीं, इसलिए हल्दी डाल दे रहे हैं ताकि पकौड़ी हम लोग को पीला हो। देखिए अब सान रही है, तो थोड़ा सा मसाला डाल दी। हम लोग का तेल देखिए गर्म हो गया है, अब पकौड़ी छानने जा रही है। हाँ और दो, और थोड़ा डाल दो ना, काम धेनु ज़्यादा देर हो गया लगता है। एक बार उठा लिए हैं तो हम लोग का गीला हो गया था, इसीलिए थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, लेकिन खाने में बहुत टेस्ट लग रहा है। थोड़ा सा खा के चेक किए और देखिए ये पक रहा है बहुत अच्छा, और एक बार होगा। देखिए पकौड़ी पक गया है, देखिए जल रहा है थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा खरा दे रही है। तो देखिए एक बार में उठा के इधर रखी है और एक बार में उठा के उधर रखी है, तो देखिए कैसा पकौड़ी पका है दोस्तों। तो हम एक पकौड़ी खा लेते हैं, हाँ दोस्तों, तो बहुत टेस्ट बना है, होटल से भी अच्छा ही लग रहा है। होटल में तो नमक कम और अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये घर का बनाया है शुद्ध बेसन का, तो बहुत टेस्ट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। और देखिए मोनिका भी आ गई है पकौड़ी खाने, पकौड़ी पकौड़ी खा रहा, देखिए खुशी के कारण देखो नाच रही है। तो दोस्तों मोनिका को, मोनिका के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, देखिए आप लोगों के लिए नाच दे रही है। चला भाई गलो पकौड़ी खा, तो मोनिका पकौड़ी दो इधर इधर कर दो, हो गया ना। तो मोनिका पकौड़ी लेके चली गई, आंखा बढ़ रहे, इला उतारिए, आप चढ़ाए तो आप उतारिए, हम चढ़ाए तो हम उतारेंगे। तो दोस्तों हम चढ़ाए तो हम ही को उतारने पर रही है, तो चलते हैं उतार देते हैं इसको। हाँ दोस्तों, तो देखिए हमको पकौड़ी दे रही है, देखिए दी, और इधर दादी को भी दे दी है, उन्हें भी खाओ। ठीक लागो हो? स्वाद लागो हो? तो देखिए दादी बता रही है कि स्वाद लग रहा है, तुम भी खाओ और मम्मी को दो उधर, और इधर मम्मी है तो मम्मी को भी दो। तो दोस्तों आइए आप लोग भी पकौड़ी खाने, देखिए पकौड़ी बना के दी है। तो देखिए अब सभी को हम लोग पकौड़ी खा रहे हैं, तो वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं, कहा कि अभी भी बहुत काम है ऐसा, अभी तो शाम होने वाला है, तो खाना बनाना सब्जी बनाना ये सब बहुत काम है, तो हम वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय, सब बाय बाय कर दो।
बाय बाय।